उत्तराखंड डीएलएड के 2023 के पेपर में आपके दो ये क्वेश्चन आए थे, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, दूसरा था सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका शासन था। ये दो क्वेश्चन आपके 2023 में आए थे। 2022 की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, 2022 में आए थे, निम्न में से किस राजा के शासन काल में अफगानिस्तान भारत का अंग था, और दूसरा क्वेश्चन था उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहां पर मिली थी। इन चार क्वेश्चनों में एक चीज जो कॉमन है वो कॉमन है मौर्य काल। ठीक है, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा मौर्य काल, जिसमें आचार्य चाणक्य की बात होती है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात होती है, सिकंदर की बात होती है, उसके बाद आपका जो है सम्राट अशोक की आपकी बात होती है, उससे थोड़ा सा पहले हम चलें तो जो आपके 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों की आपकी बात होती है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, आप डिटेल में इस टॉपिक को जो है यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर भारत के इतिहास में जो महाजनपद काल है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने देखिए किस तरीके से हम पढ़ते हुए आए हैं। अगर हम इतिहास को एक टाइम लाइन में इस तरीके से आपका जो है हम आपका दिखाएँ, ठीक है, और यहाँ पे आज हम 2023 में हैं, ये हमारा एक से आपका शुरू हुआ, इससे पहले हमारा ईसा पूर्व शुरू हुआ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा। प्राग ऐतिहासिक काल के बाद हम थोड़ा सा आगे चले तो हमने जो सिंधु सभ्यता, या फिर अगर हम बात करें हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है यहाँ पर हमने जाना। फिर हम यहाँ पे अब आपके जो है उसके बाद हम यहाँ पे आपके आए कि यहाँ पे जो वैदिक काल वाला जो पार्ट है ये वैदिक काल वाले पार्ट में आए, ठीक है, और उसके बाद अब जो है हम यहाँ पे पहुँच गए हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व 600 साल में हम पहुँच चुके हैं, जहाँ पे हमने उस समय के जो आपके धार्मिक आंदोलन थे, चाहे बौद्ध के बारे में देखें या जैन धर्म है उसके बारे में जो है वहाँ पर हम देखें। तो इसी जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अब आपका क्या हुआ, जो बहुत सारी शक्तियाँ जो हैं वो आपकी धीरे धीरे जो हैं वो आपकी यहाँ पे आने लगी, और यहाँ पर फिर जो है वो इनको आपका क्या कहा गया, इनको आपका महाजनपद कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, महाजनपद। ये महाजनपद आपके कितने हैं, ये महाजनपद आपके 16 हैं। कितने हैं, 16 हैं। इन्हीं महाजनपदों में, 16 महाजनपदों में एक इम्पॉर्टेंट आपका जो है, एक इम्पॉर्टेंट आपका महाजनपद है वो है आपका मगध। ठीक है, मगध जो आपका राज्य है, मगध आपका जो महाजनपद है वो हम पढ़ेंगे, और उसी में फिर आपका जो है वंशों में आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है बाद में आपका मौर्य वंश आता है, तो वो हमको आज जो है पूरा डिटेल में यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो हमने यहाँ पे महाजनपद काल और मौर्य साम्राज्य के बारे में हम आपका यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको पूरा जो है यहाँ पे आपका 16 महाजनपदों के बारे में आपका बता दिया है, और जो ये महाजनपद काल है इसको आपका द्वितीय नगरीय क्रांति भी बोलते हैं। पहली नगरीय क्रांति आपकी कौन सी थी, पहली नगरीय क्रांति आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता वाली थी, क्योंकि वहाँ पे पूरा नगर आपका बसा हुआ था। वैदिक काल में फिर आपका किस में आ जाता है, वैदिक काल वाला जो आपका है वहाँ पर आपका गाँव में हम आपका पहुँच जाते हैं, लेकिन जो आपका ये महाजनपद काल है ये फिर से आपका द्वितीय नगरीय क्रांति आपका जो है गार्डन चाइल्ड के द्वारा आपका जो है ये आपका कहते हैं, क्योंकि इसमें शासक वर्ग का आपका उदय हुआ था, धर्म का प्रचलन हुआ था, इमारतों का अस्तित्व है, मुद्रा का प्रचलन है, लेखन कला है, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ था, कर व्यवस्था, ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसकी वजह से इसको आपका द्वितीय नगरीय क्रांति बोलते हैं। और इन 16 महाजनपदों में अभी यहाँ पर हम चलिए मैप के आधार पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये 16 जो आपके महाजनपद हैं, 16 में से 8 महाजनपद तो अकेले आपके उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, कहाँ पे हैं, अकेले आपके जो हैं 8, अगर हम बात करें 8 आपका जो उत्तर प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश तो आपका आज है, यानी जो गंगा यमुना का जो आपका पूरा एरिया है, जो दोआब मैदान है, गंगा यमुना का जो मैदानी भाग है, यहाँ पर आप मैप में देखोगे पहले जब आपका सिंधु घाटी नदी के किनारे ही पूरी सभ्यता जो है वो बसी थी, उसके बाद जब आपके लोग इधर को आपका आए तो यहाँ पर जो इनको पूरा मैदानी क्षेत्र मिला कृषि की वजह से, खेती की वजह से, तो वहाँ पर आपका मेन जो पूरा एरिया का आप इम्पोर्टेंट समझिएगा। ठीक है, ये एरिया इतना इम्पोर्टेंट आपका है कि यहाँ पे 16 महाजनपदों में से 8 जो महाजनपद हैं वो आपका आज का जो हमारा यूपी वाला जो हिस्सा है वहाँ पर आपके जो हैं ये 16 महाजनपद हैं। क्वेश्चन कैसा आता है, ये 16 महाजनपदों की प्राचीन राजधानी या फिर उनका आज का जो यहाँ पे आज का जो नाम है वो नाम यहाँ पर कभी कभार जो है क्वेश्चन में आपका पूछ लेते हैं। जैसे अब आप देखिए क्या क्या नाम है आपका, जैसे कौशल है,
पांचाल, हमने द्रौपदी का नाम आपका पांचाल जो है वो सुना होगा, कुरु आपने सुना होगा, मत्स्य ये आपका जयपुर राजस्थान वाला है, सूरसेन वत्स है, अवंती है। अब यहाँ पर आप इस मैप में देख के आप समझ रहे होंगे कि ये बाकी जो सारे हैं ठीक है, ये सब आपके कहाँ पे हैं, ये सब आपके उत्तर दिशा में हैं, और एकमात्र दक्षिण का कौन सा है, एकमात्र दक्षिण का जो है वो आपका क्या है, वो आपका अस्मक है ठीक है। अस्मक जो है ये आपका दक्षिण का एकमात्र, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा भाई, दक्षिण में 16 महाजनपदों में दक्षिण में आपका कौन सा, तो वो आपका जो है अस्मक जो है वो आपका दक्षिण में है। ये जो अस्मक है ये गोदावरी और नर्मदा ठीक है, किसके बीच में है, गोदावरी और नर्मदा के बीच में जो आपका है वो आपका कौन सा है, वो आपका अस्मक क्षेत्र जो है, अस्मक क्षेत्र है। इसमें अगर सबसे पूर्वी की हम बात करें तो अंग जो है ठीक है, अंग जो है वो सबसे पूर्वी आपका है, और सबसे पश्चिमी की बात करें तो जो आपका मत्स्य है ठीक है। साथ में जो तक्षशिला वगैरह है वो आपका गांधार है, महाभारत के काल में भी आपने सुना होगा गांधार, जो आपका गांधारी थी ठीक है, जो शकुनी मामा थे, वो शकुनी मामा आपके गांधार के जो थे, जो आज का दिल्ली वाला इलाका है, हम कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं, कुरु जो हमारा है ठीक है, जो दिल्ली और हरियाणा के जो आसपास का इलाका है वो आपका कुरु प्रदेश का जो है, वो कुरु प्रदेश का आपका है ठीक है। सबसे उत्तर की अगर हम बात करें तो कंबोज जो है ठीक है, कंबोज सबसे आपका उत्तर का है, अस्मक जो है वो आपका नीचे साउथ का है। यहाँ पर दो प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो दो प्रकार की व्यवस्थाएं चलती थी, एक चलता था राजतंत्र और एक चलता था आपका गणतंत्र ठीक है। गणतंत्र केवल दो में था, एक वज्जी में और एक मल्ल में ठीक है, ये दो आपके थे, दोनों में आपका जो है गणतंत्र चलता था, बाकी में आपका जो है वो राजतंत्र चलता था। तो आपको इस तरीके से जो है वो यहाँ पे याद करने है, इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन के आ जाता है ठीक है। अंगुत्तर निकाय ये आपको याद करना है, जो हमको इसके बारे में जानकारी मिली कि 16 महाजनपद हैं, ये हमको कहाँ से पता लगा, बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ का नाम आपका क्या है, बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय, जो कि पाली भाषा में आपका लिखा गया है, जहाँ पे 16 महाजनपदों का जो है वर्णन किया गया है, जिसमें इम्पोर्टेंट आपका जो है कौशल है, मगध है, वत्स है, अवंती है ठीक है। अवंती जो आज की अगर हम बात करें उज्जैन वाला जो मालवा मध्य प्रदेश में जो उज्जैन वाला जो पूरा एरिया है वो आपका अवंती वाला जो इलाका है वो अवंती वाला है। इसमें आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, इनकी राजधानी आपकी कौन सी थी, कौशल यानी आज जो अयोध्या वाला पार्ट है, ये श्रावस्ती को आपको यहाँ पे याद करना है, श्रावस्ती आपका क्या है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक जो है वो आपके क्या दिए थे, अपने प्रवचन जो हैं उन्होंने वहाँ पे जो हैं वो दिए थे। ये आपका जो राजग्रह है, हमने राजग्रह में पढ़ा है, ये मगध में आपका है, राजग्रह में आपका क्या हुआ था, बौद्ध संगीति जो है वो बौद्ध संगीति आपकी हुई थी। वैशाली, वैशाली में भी आपका जो है बौद्ध संगीति हुई थी। ये कुशीनगर, कुशीनगर अगर हम बात करें तो कुशीनगर आप में जो है बुद्ध की जो है वो बुद्ध की आपकी क्या हुई थी, बुद्ध की आपकी मृत्यु हुई थी। जो कौसाम्बी वाला इलाका है यानी इलाहाबाद का जो आपका प्रयागराज वाला जो इलाका है वो आपका कौसाम्बी वाला जो है वो इलाका है। पांचाल, पांचाली ये मैंने आपको बता दिया, द्रौपदी वाला जो है, मत्स्य नरेश जो विराट आपके पास, जो अगर आपको महाभारत आप लोगों ने पढ़ी होगी वहाँ पे आपने मत्स्य नरेश के बारे में जो है वो जरूर आप लोगों ने जो है वो सुना हुआ होगा। अस्मक मैंने आपको बता दिया, अस्मक आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, गांधार ठीक है। अब यहाँ पे एक आप देखिएगा ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अभी मगध में भी हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको मैप के आधार पर जो है बता देता हूँ, जो आचार्य चाणक्य थे ना, अभी मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे अभी हम पढ़ेंगे, आप बने रहिएगा इस वीडियो में। और अगर आपको और भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमारे वेसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे अलग अलग जो बैजेस हैं वो आपके चलते रहते हैं। तो हम बात आते हैं जो आचार्य चाणक्य आपके हैं, आचार्य चाणक्य जो है सहायता मांगने यहाँ गांधार यानी तक्षशिला से, तक्षशिला उनका आपका महाविद्यालय आपका था, यहाँ से लेके वो आपका कहाँ जाते हैं, यहाँ मगध तक। देखिए इधर इस तरीके का आपका जो है वो सिंधु नदी वाला जो पूरा एरिया है ठीक है, तो जो सिकंदर है वो आपका इधर को, सिकंदर अपने विश्व विजय अभियान पे निकला है, तो आचार्य चाणक्य ने इसको भांपते हुए पहले ही वो कहाँ आ गए, मगध में। उस समय आपका घनानंद था, घनानंद से वो आपका रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बहुत आपका प्रताप है, क्योंकि मगध वंश जो है, अभी हम मगध के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मगध ने इन सबको आपका जीत लिया था ठीक है। तो वो फिर आपका जो है इधर इनसे मांगने आते हैं, लेकिन वो मान नहीं पाते हैं, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य को जो है, चंद्रगुप्त मौर्य को अपना जो है
वो फिर बाद में राजा बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम आपका जो इसमें आपका पहुँच गए, ये आपके कुछ एक पॉइंट्स हो गए, इन पॉइंट्स को जो है आप यहाँ पे याद कर लेंगे। अब हम जो है आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका मगध वाला जो राज्य है, ठीक है, मगध जो है, मगध आपका महाजनपद है, ये इन सब में आपका सर्वशक्तिशाली जो है, सर्वशक्तिशाली आपका बन गया है। इसमें अब कौन कौन से राज्य हमारे आए उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक तो आया आपका हर्यक, ठीक है, हर्यक के बाद आपका आया शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग के बाद यहाँ पर आया आपका नंदवंश, और नंदवंश के बाद जो है यहाँ पर आएगा आपका मौर्य वंश, ठीक है। तो हर्यक वंश, शिशुनाग, नंदवंश और आपका जो है मौर्य। थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत सामान्य सामान्य से क्वेश्चन आते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक आपका कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक जो है वो आपका बिंबिसार है। कौन है? हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो आपका बिंबिसार है। शिशुनाग वंश का जो है वो आपका शिशुनाग ही है। जो नंद वंश का है वो आपका महापद्मनंद है। कौन है? महापद्मनंद। और जो मौर्य वंश का है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। इसकी माँ का नाम आपका मूरा था। तो इन चारों वंशों को अभी हम यहाँ पर जो है इन चारों वंशों को हम डिटेल में यहाँ पे आपका पढ़ लेते हैं। तो हम चलें आपका हर्यक वंश में। किस में चले? हर्यक वंश में। हर्यक वंश में आपके चार जो हैं वो चार राजा आपके हुए। ये हर्यक वंश की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो सबसे पहला इसका संस्थापक था वो संस्थापक आपका कौन था? वो संस्थापक आपका बिंबिसार था। वो संस्थापक आपका कौन था? इसका जो है ये बिंबिसार था। बिंबिसार जो है वो जो है बुद्ध के जो है महात्मा बुद्ध के आपका जो है महात्मा बुद्ध के आपका समकालीन था। और कौशल अभी बिंबिसार एक आपका हम कहें ना इसके टाइम पे राजधानी जो राजगृह आपकी थी, बिंबिसार अगर हम बात करें तो एक बहुत दूरदर्शी आदमी था। इसने लड़ाई से बचने के लिए या अपना साम्राज्य फैलाने के लिए इसने क्या किया, जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अगर आप अभी इस्लाम वाले में मुगल काल में चलेंगे तो अकबर ने भी आपका यही किया, ठीक है। तो बिंबिसार ने तीन आपकी शादियाँ की हैं। कौशल नरेश जो है प्रसेनजीत उसकी बहन से आपका शादी की थी, उसके बाद इसने जो लिच्छवी गणराज्य है वहाँ पे भी शादी आपका की थी, और मध्य देश की जो राजकुमारी है उससे भी इसने आपका शादी की थी बिंबिसार ने। लेकिन क्वेश्चन सामान्यतः पूछा जाता है कि हर्यक वंश का संस्थापक आपका कौन है? बिंबिसार। राजधानी इसके टाइम पे कौन थी? इसके टाइम पे राजधानी जो थी वो आपकी राजगृह थी। राजगृह में भी आपका क्या हुआ है? राजगृह में भी जो आपका बौद्ध संगीति जो है वो आपका हुई है। फिर बिंबिसार की जो हत्या है वो इसी के बेटे ने कर दी। इसका बेटा आपका कौन है? इसका बेटा जो है वो आपका अजातशत्रु है, ठीक है। बिंबिसार का बेटा कौन है? बिंबिसार का बेटा जो है वो आपका अजातशत्रु है, ठीक है। अब यहीं पे क्वेश्चन का भी बार बन के आ जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, तो अजातशत्रु का जो आपका बेटा था, अजातशत्रु का जो बेटा है उदयन, ठीक है, नाम याद करेंगे, अजातशत्रु का जो बेटा है उदयन, उसने अपने पिता की हत्या कर दी। यानी उदयन ने अजातशत्रु की आपकी जो है उदयन ने अजातशत्रु की जो है वो आपकी यहाँ पे हत्या कर दी। जो अजातशत्रु है इसका जो आपका नाम था, इसका नाम आपका क्या है? इसका नाम आपका कुणिक नाम है। इसका नाम क्या है? इसका नाम आपका कुणिक नाम है। ये जैन धर्म को मानने वाला था। कौन से धर्म को मानने वाला था? जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु आपका जैन धर्म जो है, जैन धर्म को आपका मानने वाला था। और यहीं पर अगर हम उदयन की बात करें तो उदयन ने जो पाटलिपुत्र है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार बन के आता है, पाटलिपुत्र की स्थापना आपकी किसने की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है वो आपका उदयन ने की है। उदयन ने ही आपका जो है वो पाटलिपुत्र जो है वो पाटलिपुत्र आपका बसाया है। अब यहीं पे आगे चलें, उदयन है, ठीक है, उदयन का बेटा आपका जो है, उदयन का बेटा है आपका नागदशक। क्या है? उदयन का बेटा जो है, उदयन का बेटा आपका नागदशक है। नागदशक का एक आपका मंत्री था, अमात्य कहते थे उस टाइम पे, उसका एक मंत्री था शिशुनाग। कौन था? जो नागदशक है इसका एक आपका मंत्री था शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या की और शिशुनाग वंश की आपकी जो है, शिशुनाग वंश की उसने एक आपका क्या है, शिशुनाग वंश की आपकी उसने स्थापना की है। तो यहाँ से हमारा जो हमने यहाँ पे आपका पढ़ा, जो
हरियक वंश हम आपका देख चुके हैं, शिशुनाग जो वंश की स्थापना की है वो किसने आपका की है, वो आपका शिशुनाग जो है, शिशुनाग ने आपका इसकी जो है वो हत्या की है। फिर शिशुनाग के बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, इसने जो है शिशुनाग ने आपका जो है किसको राजधानी बनाया, शिशुनाग ने आपका जो वैशाली है, ठीक है, शिशुनाग ने आपका वैशाली को जो है वो अपनी राजधानी बनाया। इसी के काल में अगर हम बात करें कालाशोक की, किसकी बात करते हैं, इसी के टाइम पे हम बात करते हैं आपके कालाशोक की, तो कालाशोक ने जो है वापस फिर राजधानी कहाँ बना के ले आया, कालाशोक ने वापस राजधानी फिर जो है वो पाटलिपुत्र जो है, वो पाटलिपुत्र जो है उसने अपनी जो है राजधानी यहाँ पे आपका बना दी। ठीक है, अब यहीं पर इसके बाद एक नया और आपका नया नहीं कहेंगे, सबसे जो लास्ट वाला है अंतिम महानंदिम, ठीक है, क्या नाम है उसका, महानंदिन नाम है ये जो शिशुनाग वंश का है अंतिम आपका जो है वो राजा है जो है आपका महानंदिन। ठीक है, महानंदिन की जो है, महानंदिन की आपकी हत्या किसके द्वारा जो है वो आपका, किसके द्वारा हत्या आपकी कर दी जाती है, वो है आपका महापद्मनंद। क्या है, जो महानंदिन की हत्या है वो किसके द्वारा आपका कर दी जाती है, महापद्मनंद के द्वारा। और यहाँ से फिर कौन से वंश की आपकी शुरुआत हो जाती है, यहाँ से आपका जो नंद वंश है वो नंद वंश की आपकी जो है शुरुआत, आपकी जो है शुरुआत आपकी हो जाती है महापद्मनंद जो है नंद वंश की जो है। इसने अपना एक छत्र उस समय राज किया, इसी के टाइम पे जो पाणिनी है, ठीक है, आप क्या कमेंट में बता सकते हैं पाणिनी ने किस आपकी किसकी रचना की है, तो पाणिनी के बारे में आप बताएंगे। इसी ने उस समय आपका कलिंग जो आपका है वहां तक आपका ये चला था नंद वंश में, और नंद वंश का जो अंतिम शासक था, ठीक है, इसका संस्थापक आपका कौन है, संस्थापक आपका महापद्मनंद है। महापद्मनंद ने शुरुआत की थी, लेकिन जो धनानंद है, ठीक है, ये अंतिम आपका राजा है, ये आपका मगध में ही हम पढ़ रहे हैं, आप देखो शुरू से ही हम अभी मगध में ही चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो घनानंद है, ठीक है, ये आपका अंतिम जो राजा है वो आपका कौन है, घनानंद है। घनानंद एक आपका जो है भोग विलासी राजा था, इसको कोई आपका मतलब नहीं था, ये पूरा आपका जो है मजे में ही जो है मजे में रहता था। घनानंद के बारे में बहुत बार आ जाता है, घनानंद जो है वो किसके समकालीन था, घनानंद जो है वो सिकंदर जो है सिकंदर के आपका समकालीन था। इसी के राज दरबार में जो आचार्य चाणक्य हैं, वो आचार्य चाणक्य आपके आए थे, आप लोगों को इनकी स्टोरी पता होगी, आचार्य चाणक्य मैंने अभी आपको दिखाया गांधार से लेके आपका मगध तक आए थे, ठीक है, लेकिन घनानंद ने जो है वो चाणक्य को आपका बेइज्जत करके भगा दिया। तो वहाँ पे जो आचार्य चाणक्य हैं वो चुटिया खोल के एक प्रतिज्ञा आपका लेते हैं कि मैं अपनी चुटिया तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं नंद वंश का नाश न कर दूं। और वहीं से जो आचार्य चाणक्य हैं, ठीक है, वो एक गडरिये के बेटे को, गडरिये के बेटे का नाम आपका क्या है, उसका नाम आपका चंद्रगुप्त है, ठीक है, ये चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय, अभी आपका द्वितीय वंश आपका जो गुप्त वंश है वहां पे आएंगे। चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त की माँ आपकी जो है, इसकी माँ का नाम आपका मूरा है, मूरा की वजह से ही इसने अपने वंश का नाम आपका क्या रखा, मौर्य रखा, ठीक है। तो इसको हम जो है डिटेल में अभी जो है आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम सिकंदर के बारे में थोड़ा सा हम सीख लें, सिकंदर विश्व विजयी अभियान पे निकला था, ग्रेट सिकंदर, महान सिकंदर कहते हैं, लेकिन सिकंदर जो है, सिकंदर को जो पौरुष है, पौरुष ने आपका जो है यहाँ पे हरा दिया था, सिंधु नदी पार करके आपका इधर तक जो है वो पहुँच चुका था। बाद में ओनली 33 ईयर्स की एज में, ठीक है, 33 ईयर्स की एज में जो है बेबीलोन, यानी आज का जो इराक वाला जो अगर हम बात करें, ठीक है, इराक वाले आपका बेबीलोन में, इस बेबीलोनी वहाँ पे ऑप्शन में बेबीलोन आपका आता है, तो वहाँ पर जो है इसकी आपकी क्या हो गई थी, इसकी आपकी अगर हम बात करें जो सिकंदर है, ठीक है, सिकंदर की आपकी जो है मृत्यु हो गई थी। अब जो ये पूरा आपका चंद्रगुप्त वाला, सॉरी चंद्रगुप्त नहीं, यहाँ पे मौर्य वंश वाला जो पार्ट है चंद्रगुप्त में, अभी हम आगे पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त है, फिर इसका बेटा जो है वो आपका बिंदुसार है, ठीक है, बिंदुसार का जो आपका बेटा है वो आपका कौन है, वो आपका अशोक है, ठीक है, ये सब कुछ जो है ये हम पढ़ेंगे। सिकंदर आपका कहाँ से था, सिकंदर आपका जो है वो यूनान से था,
तो चलिए स्टूडेंट, अब हम इनके बारे में जो है यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं, जो कि हमारे आज के लेक्चर का हम सेकंड पार्ट आप मान लो, क्योंकि अभी तक हम महाजनपद पढ़ रहे थे, वहाँ पे मगध वंश सबसे ऊपर था, अब हम यहाँ पे पर्टिकुलर आ गए हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश जो है 322 ईसा पूर्व से आपका 185 ईसा पूर्व तक जो है, ये आपका पूरा जो है मौर्यन एम्पायर जो है, मौर्यन एम्पायर आपका चलता है। इसके अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हमको इसके दोनों टाइप के सोर्सेज मिलते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपका बन के आता है, ठीक है। एक हमारे पास जो है इसके जो हैं वो साहित्यिक स्रोत हैं, और एक जो है हमारे पास इसके जो हैं वो पुरातात्विक स्रोत हैं, जिसमें हमको जैसे अशोक के जो शिलालेख मिले हैं, ठीक है, अशोक के शिलालेख हमको मिले, अशोक के अभिलेख मिले, जूनागढ़ का अभिलेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो हमको यहाँ पे आपका मिलता है। उसके बाद जो स्तूप हमको मिले हैं, ठीक है, सांची का स्तूप, बहुत सारे स्तूप आपके हैं, ठीक है, मुद्राएं जो मिली हैं, ये मुद्राएं हमको मिली हैं। उत्तराखंड में भी यहाँ पे अशोक का शिलालेख आप सभी को पता होगा, उत्तराखंड में जो है कालसी नामक जगहों पर, ठीक है, कालसी नामक जगहों पर जो है हमको इसका जो है वो अभिलेख, वहाँ पे शिलालेख जो है वो शिलालेख मिलता है। साहित्यिक स्रोतों की बात करें, ये दोनों आपके हैं, साहित्यिक स्रोतों में देशी भी है और विदेशी भी आपका है, ठीक है, दोनों आपके हैं। जैसे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हम अगर इनके साहित्यिक स्रोतों की बात करें, देशी और जो विदेशी स्रोत हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट आपका है इंडिका, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी, इंडिका नामक पुस्तक आपकी मेगास्थनीज ने लिखी है, किसने लिखी है इंडिका नामक पुस्तक, मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज ने तो सारा चिट्ठा कहते हैं खोल दिया इंडिका में, उसने यहाँ के प्रशासन के बारे में, यहाँ के वर्णों के बारे में सब कुछ इसने जो है यहाँ पे लिख दिया था, चार जातियों की जो सात वर्ण या सात जातियों का जो है इसने यहाँ पे आपका किया था। ये जो मेगास्थनीज था, ये आपका कौन था, ये राजदूत था, किसका राजदूत था, सेल्यूकस का राजदूत था, किसका था, सेल्यूकस, सेल्यूकस का जो है वो आपका राजदूत था। किसके शासनकाल में ये आपका आया था, ये आपका चंद्रगुप्त जो मौर्य है, ठीक है, कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है ये यहाँ पर आपका आया था इंडिका वाला जो, ये बहुत बार इंडिका के ऊपर आपका क्वेश्चन जो है बन के आता है। और भी आपके कुछ नाम है, जैसे प्लनी है जिसने नेचुरल हिस्ट्री आपकी जो है, नेचुरल हिस्ट्री आपकी लिखी थी, स्ट्रैबो जो है उसने ज्योग्राफी का आपका लिखी थी, लेकिन देसी में चलें, ठीक है, जो यानी भारतीय स्रोत की अगर हम बात करें तो भारतीय स्रोतों में हमारे पास जो है वो मुद्रा राक्षस है, ठीक है, मुद्रा राक्षस संस्कृत का जो है एक नाटक है, मुद्रा राक्षस आपका किसने लिखा था, मुद्रा राक्षस जो है वो आपका विशाखदत्त ने लिखा है, किसने लिखा है, विशाखदत्त ने लिखा है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, ठीक है, इसकी रचना जो है, इसकी रचना आपकी पंडित सोमदेव ने करी थी, किसने की थी, पंडित सोमदेव जो है, पंडित सोमदेव ने करी थी। अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखा है, अर्थशास्त्र आपका जो चाणक्य है, कौटिल्य, ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखा है, अर्थशास्त्र आपका जो कौटिल्य ने, कौटिल्य ने लिखा है। फिर यहीं पर अगर आपको पता होगा राजतरंगिणी, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, राजतरंगिणी आपका किसने लिखी है, राजतरंगिणी आपका कलहण ने लिखी है, किसने लिखी है, कलहण ने। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने, कथा सरित सागर सोमदेव ने, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने, राजतरंगिणी जो है वो आपका किसने लिखी है, वो आपका कलहण जो है, कलहण ने आपका यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ से हमको सब किसके बारे में पता लगता है, यहाँ से हमको जो है मौर्य वंश के बारे में जो है, मौर्य वंश के बारे में पता लगता है। इसके मेन आपके तीन जो हैं, तीन राजा आपकी बात करेंगे, एक चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे, फिर बिंदुसार की बात करेंगे, फिर हम अशोक की बात करेंगे, ठीक है, वहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ यहाँ पे चाणक्य जो है, चाणक्य की भी हम आपका जो है, चाणक्य की भी हम बात करते हैं। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जो इनके टाइम पे पूरा एम्पायर था, ठीक है, वो बस साउथ वाला जो थोड़ा सा हिस्सा है वो आपका जो है वो आपका बचा हुआ था, नहीं तो पूरा, जिसको अगर हम बात करें ना, आजकल आप लोग सुनते होंगे अखंड भारत की जो आपकी परिकल्पना, कल्पना जो की जाती है वो इसी टाइम पे है। इसके टाइम पे पूरा जो राज्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हम बात करेंगे अफगानिस्तान पूरा, देखो यहाँ से कांधार, ये सब कुछ आपका जो है उस टाइम पे था। फिर बाद में बिंबिसार के टाइम पे भी बढ़ा, अशोक के टाइम पे भी जो है, अशोक के टाइम पे आपका जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ पर हमको जो है वो आपका पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें, इनके जो आचार्य हैं
वो आचार्य का नाम आपका क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के आचार्य का नाम आपका आचार्य जो है, आचार्य आपका चाणक्य है। चाणक्य के दो नाम और भी आपके हैं, एक चाणक्य का नाम आपका जो है कौटिल्य है, और इनका नाम आपका जो है बचपन का नाम आपका जो है वो विष्णुगुप्त भी जो है, वो विष्णुगुप्त भी इनका नाम आपका कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं बताऊं कि इसने जो नंद वंश का राजा था घनानंद, जो है घनानंद को आपका हराया था। मेगस्थनीज वाला जो है, जो इंडिका जो पुस्तक लिखी है मेगस्थनीज, वो भी आपका इसी के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका जो है अपने अंतिम समय की बात करें तो अपने अंतिम समय में इसने जो है वो जैन धर्म जो है, वो जैन धर्म को इसने आपका जो है, जैन धर्म को इसने आपका स्वीकार कर लिया था। और यहाँ पर इसकी जो मृत्यु आपकी हो जाती है वो श्रवण बेलगोला, ठीक है, कहाँ पर? श्रवण बेलगोला, यानी आज का जो कर्नाटक वाला हिस्सा है, ठीक है, कर्नाटक वाला जो हिस्सा है श्रवण बेलगोला, वहाँ पर इसकी आपकी क्या हो जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो है, चंद्रगुप्त मौर्य की आपकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। इसके सब जो आपके बहुत सारे अभिलेख हैं, वो अभिलेख आपका चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हमको जो है वो अभिलेख यहाँ पे आपका मिलते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम नेक्स्ट जो बात करें वो आपका है क्या, वो आपका है बिंबिसार, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उसका आपका बेटा बैठता है वो आपका जो है वो आपका बिंबिसार है। इसका दूसरा नाम भी आपका था जिसका नाम आपका है, वो नाम आपका क्या है, शत्रु विनाशक। क्या इसका नाम है? इसका नाम जो है वो आपका शत्रु विनाशक जो है, शत्रु विनाशक है। चाणक्य जो है वो चाणक्य इसके टाइम पीरियड में भी जो है, चाणक्य इसके टाइम पीरियड में भी आपका जो है वो मंत्री था, ठीक है। इसी के टाइम पे अगर हम बात करें बहुत सारे आपके जो लोग हैं वो यहाँ पे आए थे, बट उतना जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है वो आपका नहीं है। इसमें जो अगर हम मिस्र का शासक जो आपका टॉलमी, ठीक है, टॉलमी द्वितीय ने यहाँ पर अपना एक राजदूत जो है, वो राजदूत अपना जो है वो यहाँ पे भेजा था, तो वो आपका जो है बिंबिसार के टाइम पीरियड की बात करें। फिर बिंबिसार के बाद बिंबिसार का बेटा जो है वो आपका कौन आता है, सम्राट अशोक, ठीक है। सम्राट अशोक भी बहुत इम्पॉर्टेंट आपका है, लेकिन अशोक के बारे में अगर हम बात करें, अशोक चक्र हमने उठाया हुआ है, इसने आपका जो सारनाथ का स्तंभ आपका बनाया था, ठीक है, वहाँ से हमने अपना जो राज चिन्ह है वो राज चिन्ह हमने आपका लिया था। सांची का स्तूप जो है, क्वेश्चन में आपको इस तरीके बता रहा हूँ, सांची का स्तूप जो है वो आपका अशोक ने जो है, अशोक ने आपका बनाया था। या फिर उसके बाद अगर हम प्रथम जो औषधि की, अगर हम जो हॉस्पिटल की बात करें, औषधिशाला, ठीक है, उसका निर्माण आपका किसके द्वारा किया गया था, उसका निर्माण आपका जो है वो सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। इसने जो है आपका एक टाइम पे जो कलिंग है, कलिंग की लड़ाई, कलिंग युद्ध इसके टाइम पे आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें बहुत सारा जो रक्तपात इसने देखा अशोक ने, और उसके बाद जो है इसने आपका अगर हम बात करें तो इसने फिर उस युद्ध के बाद जो है वो कौन सा धर्म आपका अपना लिया, इसने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया। कंफ्यूज नहीं करेंगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अपने अंतिम समय में जैन धर्म आपका स्वीकार कर लिया, और जो आपका अशोक है, अशोक ने अपने अंतिम समय में जो है वो आपका बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म आपका स्वीकार कर लिया। इसने बौद्ध धर्म किससे स्वीकारा, तो एक आपका बौद्ध भिक्षु था उपगुप्त, ठीक है, कौन था, बौद्ध भिक्षु था उपगुप्त, उपगुप्त से इसने जो है वो अपना जो है बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म इसने आपका स्वीकार कर लिया। और उसके बाद अगर कलिंग युद्ध की हम बात करें, तो कलिंग युद्ध अगर हम बात करें तो ये 261 ईसा पूर्व की आपकी बात है, कब की बात है, 261 ईसा पूर्व की जो आपकी बात है, उस समय आपका जो है वो कलिंग का युद्ध हुआ था। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बार जो है वो अशोक के शिलालेखों से आपका बन के आते हैं, किससे बन के आते हैं, अशोक के शिलालेखों से क्वेश्चन जो है वो आपके बन के आते हैं। भारत में जो आपका शिलालेखों का प्रचलन है वो आपका अशोक ने किया। अशोक का जो आपका पहला शिलालेख है, या पहला जो आपका अभिलेख है वो आपका किसने करा, वो स्टीफन थैलर को जो है वो सबसे पहला आपका मिला था। स्टीफन थैलर जो है पहला शिलालेख जो है जो दिल्ली मेरठ वाला आपका है, ठीक है, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख जो है वो आपका किसको मिला था, वो आपका स्टीफन थैलर को मिला था। उसके बाद सबसे पहले किसने पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
सबसे पहले किसने पढ़ा, अगर आप कमेंट में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो पढ़ा वो आपका जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप जो है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आपका क्वेश्चन जो है इसके ऊपर आपका बन के आता है। सबसे पहले जो है वो जेम्स प्रिंसेप ने जो है, जेम्स प्रिंसेप ने आपका जो है अशोक का जो शिलालेख है, वो अशोक का शिलालेख आपका पढ़ा है। अशोक के शिलालेख जो हैं वो आपका कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? वो आपका ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में, और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में जो है, प्राकृत भाषा में लिखे गए। अशोक के धम्म जो हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे जो हैं वो आप लोगों ने सुने होंगे, उनके बारे में पढ़ा होगा। इसके बहुत सारे आपके जो हैं, ठीक है, कालसी इम्पोर्टेंट, उत्तराखंड के रेस्पेक्ट में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कालसी नामक जगह जो है वो आपकी कहाँ पे है? वो आपकी देहरादून जो है, देहरादून में आपका यहाँ पर है। तो इसके अभिलेखों को आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। जो मैं यहाँ पे आपको ये कलिंग युद्ध बता रहा था, ये कलिंग युद्ध जो है वो आपका कौन से अभिलेख में बताया गया है? कलिंग युद्ध जो है वो 13वें अभिलेख में जो है, 13th अभिलेख में, 13वें जो अभिलेख है, 13वें अभिलेख में आपका बताया गया है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप बात करेंगे तो छोटे छोटे पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप याद कर लेंगे, वहाँ से आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपके बन के आते हैं। सारनाथ का जो स्तंभ है वो हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों ने जो है पढ़ना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे हमारा जो राज चिन्ह है वो राज चिन्ह वहीं से आपका जो है जो हमने लिया है। सांची का स्तूप जो है वो अपना राज इसने बनाया था। कौसाम्बी में भी आपका जो है मिले थे। रुम्मी देई वाला जो आपका अभिलेख है वो यहाँ पे आपका मिला था। तो ये सब कुछ जो है वो आपका यहाँ पे आएगा। बट इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, ठीक है, अशोक के बाद और भी कुछ राजा इनके आए, इनके एक पौत्र था, दशरथ था। दशरथ के बाद लास्ट अगर हम बात करें तो बृहदत्त है। बृहदत्त है, हम उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बृहदत्त की जो मृत्यु है वो आपका किसने करी थी? पुष्यमित्र ने करी थी, ठीक है। बृहदत्त की जो हत्या है वो आपका किसने करी थी? पुष्यमित्र ने। और इसने एक नया वंश लेके आया, वो नया वंश आपका कौन सा था? वो नया वंश आपका सुगवंश था। कौन सा था? सुगवंश जो है वो आपका पुष्यमित्र लेके आया था। इतना आपको यहाँ पे पढ़ना है। और इसके बाद मैं आपको बता दूँ, ठीक है, कि आपको जो है वो मौर्य प्रशासन के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। मौर्य प्रशासन को आप डिटेल में ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आता है, जैसे इसके टाइम पे जो कर होता था उसको क्या कहते थे? बलि या जो है भाग आपका कहते थे। अमाद्य जो है वो अमाद्य यहाँ पे कहलाता था। नगर प्रशासन इनका आपका अलग था। गुप्तचर प्रशासन जो है वो आपका अलग था। सामाजिक व्यवस्था जो अर्थशास्त्र है वो सामाजिक व्यवस्था, राज करने की नीति जो है वो सब कुछ वहाँ पे लिखा गया था। सीताध्यक्ष आपका किसको कहते हैं? शुल्काध्यक्ष आपका किसको कहते हैं? सीताध्यक्ष के ऊपर क्वेश्चन आपका जो है वो बन के पहले आपका आया हुआ। जो कृषि सीता मतलब जो हल आपका है, मतलब वहाँ से आपका बन के आता है। तो जो कृषि विभाग वाले हैं, ठीक है, कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आपका सीताध्यक्ष, हाँ सीताध्यक्ष उसको बोलते हैं। मुद्राध्यक्ष की बात करें तो मुद्रा यानी जो पासपोर्ट वाला है, वो पासपोर्ट वाला आपका कहां से आएगा? वो आपका ये जो है उसको मुद्राध्यक्ष बोलते हैं। अश्वाध्यक्ष जो आपका घोड़ों वाला है, पणियाध्यक्ष, पणी कहते थे पणी, ठीक है, वो वाणिज्य वाला, कॉमर्स का जो आपका पूरा उस समय आपका जो मौर्य प्रशासन तो बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। और सब जो है ये आपका कहाँ पे लिखा गया है? ये आपका इंडिका में जो है, इंडिका में आपका लिखा गया है। कृषि के बारे में आप पढ़ सकते हैं, उद्योग धंधों के बारे में जो है ये सब कुछ आपको खुद पढ़ना है। मुद्राएं मैंने आपको बता दिया, पणि या पण, ठीक है, ये इसकी आपकी मौर्यकालीन जो है वो आपकी मुद्राएं थी। और ये मुद्राएं आपका किसकी बनी हुई थी? ये मुद्राएं आपका जो है चांदी की बनी हुई थी। तो इतना पूरा स्टूडेंट आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो स्टूडेंट जैसा आपको पता है कि यहाँ पर जो है डीएलएड का जो सिलेबस है वो पर्टिकुलरली डिफाइंड नहीं है, तो हमको इसी स्ट्रेटेजी के तहत पढ़ना होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए, वहां से देखिए कि कौन से टॉपिक्स है, उस टॉपिक को फिर आप डिटेल में पढ़िए। और अगर आप अभी डीएलएड 2024 की तैयारी हम लोगों के साथ करना चाहते हैं तो आप हमारी जो ऐप है वेसी क्लासेज ऐप, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा जो नया बैच है वो सेप्टेम्बर में जो है वो आपका स्टार्ट होने वाला है। सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हम आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस देंगे और आप हमारे साथ जो है डीएलएड की तैयारी कर सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे आपको अपनी ऐप में वेसी क्लासेज ऐप।